मिला है मेरे को, अभी भी मिलता है. मैं सड़क पे जाती हूँ, आशा थी करके लोग जो दौड़ते हैं, और 10-12 साल के लड़के आके बोलते हैं हाँ बाबा हम आपके फैन हैं. तो मुझे लगता है मैं 3 पीढ़ी में फैन हूँ, 4 पीढ़ी में फैन हूँ. सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. प्रभावशाली अवार्ड एक था, वो क्या बोलते हैं उसको, फिल्म फेयर. जब फिल्म फेयर आया था तब कोई अवार्ड नहीं होता था, कोई अवार्ड नहीं था, फिल्म जगत में अवार्ड नहीं था. उसके बाद और आए, स्क्रीन आया, फिर और कोई अवार्ड आए, अभी अवार्ड ही अवार्ड हो गए हैं. जो जो चैनल होता है उसका भी अवार्ड होता है, पेपर होता है उसका भी, कोई भी अवार्ड कर सकते हैं. अवार्ड में क्या है, सब तो हीरो हीरोइन को डांस करवाना, सब ये करना, वो पैसा खर्चते हैं और सब आके डांस वगैरह करते हैं. वो सभी अवार्ड एक जैसे लगते हैं, अभी अवार्ड का ऐसा कुछ नयापन कुछ लगता नहीं है. तो अवार्ड अच्छा है, वैसे भी तो अवार्ड जो है जो देते हैं जिस दिन, उस दिन ही वाह होती है, 8-10 दिन होती है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि अवार्ड किसको क्या मिला था. अभी आप बताइए कि किसको भारत रत्न पहले अवार्ड मिला था, आप बताइए मुझे. पहला नहीं बता सकता कोई भी. तो अवार्ड ऐसा है कि जो जिस दिन मिलता है उस दिन वो होता है, घर में टांगा होता है तो उसको देख के बोलते हैं अच्छा इनको ये अवार्ड मिला था. तो अवार्ड ऐसी चीज़ होती है, लेकिन जिस अवार्ड को महत्व होता है, भगवान का जो आशीर्वाद होता है, ये वो अवार्ड है जो आज मुझे दिया जा रहा है, मतलब मिलने वाला है मुझे. और उसमें बहुत संत, संत के नाम से हैं वो, जो संत होते हैं उसके नाम से, भगवान के जैसे. जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी. भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे. भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है.